तो ऑलराइट गाइस, बाइक स्विच कर ली है एक टोल तक के लिए, एंड लेट्स सी इसके ऊपर कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। नाइस, ऐसा क्लच के साथ स्टार्ट होती है। हल्की सी घबराहट हो रही है बिकॉज मेरी आदत नहीं है इंग्लिश से गियर चेंज करने की, एंड इसके वहीं पर है और मैं ट्राई करता हूँ से बदल रहा बट मेरा पैर वहाँ पर फट जा रहा है। एंड इस वाले के अंदर सर्विस का जो गॉज है वो ब्लिंक कर रहा है, इसमें फिफ्थ गियर पे चल रही है एंड टोटल किलोमीटर्स आरपीएम और जो स्पीड है वो हमें मिरर के थ्रू दिख रही है। फिफ्थ गियर से नाइस रेट्रो फीलिंग। मैं अभी भी इसके अंदर बेंड हो जा रहा हूँ, मेरे को आदत है अगर मेरे को स्पीड कैच करनी है तो मैं थोड़ा सा लीन हो जाता हूँ, बट इसके अंदर मेरे को वो चीज़ इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं दे रही है। एंड आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला व्यू कैसा लग रहा है आपको, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट व्यू। मैं आपको हमेशा इनके पीछे वाला जो पी ओ वी होता है वो दिखा दे, अगर लद्दाख में मैं इसको गुजर जाऊँगा तो मैं इसको चला भी पाने की मेरी 120 को टच करने के लिए रो रही है। सीरियसली 110 की क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जस्ट माई वार्मअप स्पीड मैन, 350 इंजन, बल्कि इस स्पीड को मेंटेन करने में मेरे पास लग रहा है कि मेरे हैंड जो है वो थोड़े से हैवी फील कर रहे हैं, हैंडल बार थोड़ा हैवी फील होने लग रहा है और मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा कि अगर मैं इसे लूज छोड़ूंगा तो ये लेफ्ट राइट फॉर्मल करना शुरू कर देगा, ऐसा लग रहा है।
व्यू डिफरेंट है। नाइस ब्रेकिंग, आई लाइक द ब्रेकिंग। Make sure this is clean.